अफेक्टिंग जीएफआर के क्या क्या वो फैक्टर है जिनसे जीएफआर में चेंज आता है। तो सबसे पहला फैक्टर है एज। अब जैसे जैसे एज हमारी बढ़ती जाएगी, एज बढ़ने से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट कम होता जाता है, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो उससे जीएफआर अपने आप कम हो जाएगा, तो एज बढ़ने से जीएफआर कम हो जाता है। दूसरा फैक्टर हम देखते हैं कि रीनल ब्लड फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो से जीएफआर कैसे चेंज हो रहा है। तो जैसे कि हमने देखेंगे कि रीनल ब्लड फ्लो और जीएफआर, उस डायग्राम में अगर हम देखें तो रीनल ब्लड फ्लो क्या था, ये अगर रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो जीएफआर अपने आप कम हो जाएगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के। तो अगर रीनल ब्लड फ्लो कम तो जीएफआर भी कम। अब तीन अगले कौन से फैक्टर हैं, वही प्रेशर जो हमने अभी पढ़े थे, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ कैपिलरी, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ऑफ वुमेन्स कैप्सूल, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू कैपिलरीज, ये तीनों कैसे कैसे इफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कैपिलरीज का कैसे चेंज कर रहा है। तो इसमें दो मेन पॉइंट है कि सबसे पहले अगर चेंज इन ब्लड प्रेशर होगा तो ये कैसे इफेक्ट करेगा कैपिलरी को, कि अगर ब्लड प्रेशर चेंज हो गया तो यहां पे ब्लड प्रेशर हाई हो गया मान लो किसी का, तो हाई होने पे यहां ब्लड ज्यादा आने लगेगा, और यहां ब्लड ज्यादा आने लगेगा तो यहां पे प्रेशर बढ़ेगा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो इसकी वजह से जीएफआर बढ़ जाएगा। तो चेंज इन बीपी में क्या हो रहा है, अगर बीपी हाई हो रहा है तो जीएफआर बढ़ जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं कि अगर यहां पर जो एफरेंट और ईफरेंट आर्टरियोल जो है इनमें अगर कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाए तो दोनों में क्या चेंज होगा, अगर एफरेंट आर्टरियोल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो गया तो यहां से ब्लड ही कम जाएगा, तो मतलब जीएफआर भी कम होगा। तो अगर हमारा एफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो जीएफआर अपने आप कम हो जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं, ईफरेंट आर्टरियोल के कम होने से क्या होगा, अब जैसा कि यहां पे दिख रहा है अगर ईफरेंट आर्टरियोल कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया तो ब्लड यहां से तो पूरा आ रहा है लेकिन यहां आगे नहीं जा पा रहा है, तो यहां प्रेशर और बढ़ जाएगा जिसकी वजह से क्या होगा, जीएफआर और बढ़ जाएगा। तो यहां पे उल्टा हो रहा है, इसमें जीएफआर कम हो रहा था लेकिन इसमें जीएफआर बढ़ जाएगा। अब अगला पॉइंट देखते हैं कि चेंज इन हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ड्यू टू वुमेन्स कैप्सूल। अब वुमेन्स कैप्सूल का जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो कैसे चेंज हो सकता है, मान लो किसी के रीनल स्टोन हो गया तो रीनल स्टोन जो होता है वो ग्लोमेरुलस में जाके फंस जाता है। अब वहां फंसेगा तो वो क्या करेगा, वहां पे हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा, हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा तो उससे क्या होगा, जीएफआर कम हो जाएगा। अब अगले पॉइंट पे आते हैं, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू कैपिलरीज। अब कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरीज वाला कैसे चेंज होगा, कि कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर लगता ही प्रोटीन की वजह से है, जहां भी प्रोटीन होगा वहां ये प्रेशर लगेगा। तो अगर मान लो किसी में प्रोटीन बढ़ गया तो इसमें क्या होगा, कि अगर प्रोटीन किसी की बॉडी में बढ़ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कैपिलरीज का भी बढ़ जाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा कि कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर तो अगेंस्ट काम कर रहा था तो जीएफआर कम हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट सिक्स पॉइंट पे, ये क्या कहता है, स्टेट ऑफ ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन। अगर ग्लोमेरुलर मेम्ब्रेन में कोई भी चेंज होगा तो वो उसको उसी हिसाब से चेंज कर देगा। अब आते हैं सेवेंथ पॉइंट पे, साइज ऑफ कैपिलरी बेड। साइज ऑफ कैपिलरी बेड में क्या होगा, कि अगर कैपिलरी बेड में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया कम हो गया, तो क्या होगा, जीएफआर भी कम हो जाएगा। पर अगर कैपिलरी बेड रिलैक्स, अब कैपिलरी बेड रिलैक्स हो गया मतलब एरिया ज्यादा मिल रहा है, ज्यादा एरिया मिलने से क्या होगा, पोर्टोसाइट जो होते हैं वो दूर दूर हो जाएंगे तो जीएफआर ज्यादा हो जाएगा, तो यहां जीएफआर बढ़ जाएगा। तो यही बेसिकली सात पॉइंट हैं जिनकी वजह से जीएफआर इफेक्ट होता है।
अब देखते हैं हम रेगुलेशन ऑफ जीएफआर कि रेगुलेट कैसे होगा, कि जीएफआर हमें रेगुलेट करके रखना पड़ेगा। तो ये मेनली बेसिकली दो प्रोसेस से होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि ब्लड फ्लो को एडजस्ट कर दें, और दूसरा प्रोसेस क्या है कि कैपिलरी सरफेस के एडजस्टमेंट को हमने चेंज कर दिया था। तो अब देखते हैं पहला पॉइंट जो क्या था हमारा, एडजस्टिंग ब्लड फ्लो, और दूसरा पॉइंट क्या था हमारा, कैपिलरी सरफेस एडजस्टमेंट। अब ये क्या करेंगे दोनों लोग, ये बेसिकली तीन तरह की रेगुलेशन से काम करेंगे। सबसे पहला क्या है, रीनल ऑटो रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था कि एक मैंने आपको फीडबैक मैकेनिज्म बताया था, किसमें बताया, जेजी अपैरेटस में, कि जेजी अपैरेटस में तीन लोग थे, एसपी, दरोगा और सबसे लास्ट में हवलदार। तो दरोगा जो था वो उसका काम क्या था, फीडबैक प्रोवाइड करना, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक प्रोवाइड करना। तो ये क्या काम करेगा, ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक से काम करेगा। अब देखते हैं हम क्या, न्यूरल रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। अब न्यूरल रेगुलेशन तो पता ही है कि बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेंटर्स हैं, तो उनसे जब भी हमारे जीएफआर में कोई भी चेंज आएगा, चेंज करना होगा, तो बॉडी के सेंटर में वो जाएगा सिग्नल और वहां से जीएफआर कंट्रोल हो जाएगा। अब देखते हैं हार्मोनल रेगुलेशन। तो बेसिकली ये दो हार्मोन्स पर वर्क करता है, जिसमें से एक हार्मोन हम रास मैकेनिज्म में पहले ही पढ़ चुके हैं, जो कि रास मैकेनिज्म का बेसिकली मेन था, जो 80% काम कर रहा था पे, एंजियोटेंसिन सेकंड। और दूसरा कौन सा है यहां पे नया, एएनपी, मतलब एट्रियल नेट्रीयूरेटिक पेप्टाइड। अब उसके बाद हम देखते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्या होता है। अब इस डायग्राम में दोबारा हमें आना पड़ेगा। अब यहां से जोता भी ये रीनल फ्लो था, रीनल फ्लो के बाद यहां पे कितना रेशियो जा रहा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बनके, इस रेशियो को ही हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन कहते हैं। तो फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन की क्या डेफिनेशन हो जाएगी, फ्रैक्शन ऑफ प्लाज्मा पासिंग थ्रू किडनीज विच इज फिल्टर एट द ग्लोमेरुलस, दैट इज रेशियो ऑफ जीएफआर बाय रीनल प्लाज्मा फ्लो। अगर हम इसकी वैल्यू रखें तो जीएफआर कितना था हमारा, 125 ml/min। अब रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना हो जाता है, तो रीनल प्लाज्मा फ्लो हमारा था 700 ml/min। तो ये हमारा क्या आ गया, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। हमें फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन क्यों देखना पड़ता है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, क्योंकि जब फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन बढ़ेगा मतलब क्या होगा कि प्रोटीन जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में। कैसे बढ़ जाएगा, यहां से तेज ब्लड आने लगा तो वो यहां जाएगा, तो ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन इफरेंट में जाएंगे, जो कि यहां के फिर बाद में पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज बना लेंगे। अब पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में अगर प्रोटीन ज्यादा होगा तो रीएब्जॉर्प्शन